ने डिसाइड किया धरातल पर जाके हम उन स्टूडेंट से भी पूछेंगे और प्रशासन से भी हम जानकारी लेंगे। स्टूडेंट की हमने सुन ली है, उनको लग रहा है कि हम पे एक फेक मुकदमा लगाया गया है, और अगर ये फेक मुकदमा है इसमें पूरी जानकारी हम लेंगे। सीसीटीवी कैमरे की पूरी फुटेज हम चेक करेंगे कि अगर कहीं लगता है, क्योंकि स्टूडेंट सामने आके ये कह रहे हैं कि अगर हमने गलती की है तो आप हमें कुछ भी सजा देंगे, हम लेने को तैयार। लेकिन अगर ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है, सिर्फ एक केस को दबाने के लिए दूसरे केस को आप जन्म देते हैं, तो ये फिर तो प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह होगा। अठारह सितंबर की रात अंबेडकर छात्रावास और स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़प के दौरान देर रात अंबेडकर छात्रावास के बाहर जमकर गोलीबारी की गई थी। इसके बाद इस घटना में अंबेडकर छात्रावास के रहने वाले 3 छात्र जो हैं गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं शुक्रवार को इस पूरे मामले की जांच करने दिल्ली से चलकर अनुसूचित जाति आयोग की टीम पहुंची है पटना। वहीं बता दें आपको कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का तमाम जानकारी जो है अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने दी है। बता दें आपको कि अंबेडकर छात्रावास जो है वो कहीं ना कहीं क्रिमिनलों का अड्डा बन गया है। वहां पर अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य अंशु बाला ने अंबेडकर छात्रावास और स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़प मामले की जानकारी जो है अंबेडकर छात्रावास में रहने वाले छात्रों से जो है पूछताछ की। वहीं छात्रों ने घटना का सारा जो है तमाम बात जो है वो बताया। आयोग के सदस्य अंशु बाला जो है वो पहुंची थी, वहीं तमाम चीजों की जानकारी उन्होंने लिया। उसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी को घटना के वक्त का सीसीटीवी फुटेज मुहैया करवाया। वहीं बता दें आपको कि मुहैया करवाने का निर्देश भी अंशु बाला ने दिया है, मौके से किया जारी जो है तमाम बातें हैं। वहीं इसके साथ ही मौके पर मौजूद छात्रों ने पलायन के लिए हुए छात्रों को पुनः वापस बुलाकर छात्रावास में पढ़ाई शुरू करने की बातें करने के साथ साथ अंबेडकर छात्रावास में रहने वाले छात्रों को मुकम्मल सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। हालांकि आयोग की टीम ने जो है समक्ष तमाम बातें रखी गई है। अंबेडकर छात्रावास के छात्रों ने अपनी सारी समस्याएं बताई है। इस दौरान मौके पर मौजूद अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य अंशु बाला ने छात्रों के समस्याओं को सुलझाने का भी जल्द से जल्द आश्वासन दिया है। देखिए अनुसूचित जाति आयोग सदस्य है अंशु बाला क्या कुछ कह रही है वो सुने आप लोग। देखिए ऐसे क्योंकि हम कमीशन है और कमीशन इन्हीं के सबके सेफ गार्ड के लिए है, ये न्यूज़ तेज़ी से वायरल हो रही थी। और क्योंकि जैसे इस तरीके की न्यूज़ वायरल होती है हम उसमें सुमोटो का पावर भी लेते हैं। बाद में स्टूडेंट्स की तरफ भी हमारे पास लेटर आया था, लेकिन उससे पहले हमने संज्ञान ले लिया था। अभी मैं परसों जम्मू से ही होके आ रही हूँ, श्रीनगर से होते हुए। हमें लगा बच्चों के साथ गलत हो रहा है, स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास के नारे को लेके आगे चलते हैं और सबको समानता समरसता के लिए कहते हैं। आपने देखा होगा कि सफाई कर्मचारियों के पैर तक उन्होंने धुलाए, झाड़ू तक सभी, मैं उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, झाड़ू तक सभी ने पकड़ी सिर्फ एक समानता और समरसता का भाव लाने के लिए। लेकिन मुझे कष्ट इस बात का हो रहा है कि बिहार जैसे स्टेट में, पटना जैसी जगह में, जिसका नाम भी अम्बेडकर छात्रावास है, इन बच्चों के साथ कुछ गलत हो और कमीशन चुप रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आज मैंने ये निश्चय किया था कि मैं आके बच्चों से रूबरू होंगी, इनके मन की बात जानूंगी, सही में घटना क्या है, क्योंकि गोली चलने की घटना वायरल हो रही है, गोली भी चलते दिख रही है, सब कुछ हो रहा है। तो ये एलिगेशन क्या लग रहे हैं कि एक तरफ कोई लड़की को लेके एलिगेशन लगाया, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया, हमारा पूरा कमीशन आया हुआ है, हमने डिसाइड किया धरातल पर जाके हम उन स्टूडेंट से भी पूछेंगे और प्रशासन से भी हम जानकारी लेंगे। स्टूडेंट की हमने सुन ली है, उनको लग रहा है कि हम पे एक फेक मुकदमा लगाया गया है, और अगर ये फेक मुकदमा है इसमें पूरी जानकारी हम लेंगे। सीसीटीवी कैमरे की पूरी फुटेज हम चेक करेंगे कि अगर कहीं लगता है, क्योंकि स्टूडेंट सामने आके ये कह रहे हैं कि अगर हमने गलती की है तो आप हमें कुछ भी सजा देंगे, हम लेने को तैयार। लेकिन अगर ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है, सिर्फ एक केस को दबाने के लिए दूसरे केस को आप जन्म देते हैं, तो ये फिर तो प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह होगा। दबाने के लिए एक दूसरा मुकदमा उस पर दायर करा देते हैं तो ये कहाँ का इंसाफ है। लेकिन कमीशन उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। कमीशन इन बच्चों के लिए आया है, इनके सेफगार्ड के लिए है, इनके सुरक्षा के लिए है। निरीक्षण और के दौरान क्या कुछ पाया आपने, क्या कुछ? जहां तक मुझे लगा है जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हैं, अभी हम प्रशासन से वो कैमरे की पूरी फुटेज लेंगे, और अगर ये कोई भी हमें प्रूफ नहीं मिलता है तो ये केस पंच होगा, ये केस खत्म होगा, और जो दूसरा केस है वो
चले। छात्रों पे भी स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए थे, उस मामले की आपने जांच की, क्या कुछ निकल कर सामने आया? क्योंकि अभी तक हमें उसके कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिल रहा है, एविडेंस नहीं मिल रहा है। बाकी अभी सर्किट हाउस में हमारी मीटिंग है, प्रशासन के साथ हम बैठेंगे, वो क्या तथ्य रखते हैं, उनकी तरफ से क्या प्रूफ हमारे सामने आते हैं, बाकी क्या प्रूफ आएंगे, वो क्या सामने हमारे लाते हैं, उसी तरीके के आगे का फिर हम कार्रवाई करेंगे। सॉरी, क्या बोला? वो देखो, लाजमी सी बात है, जब गोली चलने की बात होती है, गोली चलने से उनको अपने आप को वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने पलायन कर दिया, लेकिन हम उनको आश्वासन दे रहे हैं, पलायन मत करिए, अपनी पढ़ाई को यहाँ कंटिन्यू करिए, और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की उनकी अभी हम प्रशासन से बात करके यहाँ सिक्योरिटी का प्रबंध कराएंगे और पूरी सुरक्षा को मिलेगी। ये कोई अगर हमें लिखित में देता है ऐसा, तो हम कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि ऐसा कोई बोल नहीं सकता। और बोल रहा है तो उनके पास क्या तथ्य है, किस आधार पे वो ऐसा बोल रहे हैं? वो जैसा बोलेंगे, एक नोटिस अगर हम बच्चों की तरफ से हमें आ जाएगी, तो जो बोल रहा है उसके खिलाफ हम नोटिस जारी करते हैं। पुलिस द्वारा जो आरोप लगाया या आम पब्लिक द्वारा, वो अगर झूठे पाए गए, उसके ऊपर कार्रवाई है? आयोग क्या कुछ कार्रवाई? इसमें अगर जिस तरीके के अभी छात्रों ने हमें बताया है कि हम पे उन्होंने जैसे पकड़ के ले जा रहे थे, गाली भी दी और मारा भी, और अगर ऐसा कोई भी पुलिस का कर्मचारी करता है, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म के साथ खिलवाड़ होगा, ये यूनिफॉर्म रक्षक बनने के लिए दी है, भक्षक बनने के लिए नहीं दी है, ये सुरक्षा के लिए दी गई है। इस यूनिफॉर्म से गुंडों को डर लगना चाहिए, अपराधियों को डर लगना चाहिए, ना कि इन भोले वाले छात्रों को जो पढ़ने आए हैं। तो अगर उन्होंने गलती की होगी तो कमीशन पूरा आदेश करेगा, उन पे कार्रवाई करेगा। यही तो सारी जांच करने का विषय है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। वहीं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि जिन पे गोली चली उनकी FIR बाद में, और जिन पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं उनकी FIR, यही प्रशासन को घेरे में खड़ा कर रहा है, और इसी पे अभी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, फिर जैसा होगा आपके सामने।